कर गया है। और मैं इसी मन से थैंक यू बोलना चाहता हूं, मुझे बुलाया है, आई अप्रिशिएट इट। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि मुझे दिल्ली बुलाया गया। मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आपने मेरा और हमारा गरीब पिपरासा का आवाज सुना है, आपने बुलाया है। मैं जाऊंगा, बात करूंगा और मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा। आज खाली पेट खाली हाथ से जा रहा हूं, लेकिन खाली हाथ नहीं आऊंगा और खाली पेट का खाना तभी खाऊंगा जब आप लोग सब खाएंगे मेरे साथ। एक अच्छा नेता वही होता है, अ गुड लीडर इज दैट हु गिव्स एवरीवन फूड फर्स्ट एंड ईट्स लास्ट। एक अच्छा नेता वही होता है जो सबको पहले खाना देता है और आखिर में खाता है। मैं पहले आपको सबको दूंगा, उसके बाद अपने बारे चिंता करूंगा। आई लव यू एंड आई विल फाइट फॉर यू एंड आई विल नेवर एवर गिव अप द फाइट फॉर आवर राइट्स। बेराई बेराई नो हम भाई खुलुमखा YTF, आप लोग यहीं में रहना, क्राउड को जाने दी। दिल्ली बुलाया गया है, मैं दिल्ली जाऊंगा और अपने लोगों का जो बात है मैं वो सामने रखूंगा, उसके बाद देखते क्या होगा। किसने बुलाया आपको सर दिल्ली में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने बुलाया और मैंने भी टाइम मांगा था, और जब मैं बात कर रहा था तो वहीं से फोन आया कि आप प्लीज हंगर स्ट्राइक अभी मत कीजिए, दिल्ली आइए, हम लोग बात करेंगे और एक उसका सोल्यूशन निकालेंगे। अभी क्या बंद हो गया, चले गए स्ट्राइक की या नहीं? हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं जब तक राइटिंग में कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग जो गलती किसी और ने किया था इससे पहले, वो गलती हम लोग नहीं करेंगे। हमारा मंच जहाँ में है वही में रहेगा, हमारे YTF के वॉरियर्स वहीं में रहेंगे, लेकिन क्राउड को हमने कहा कि घर जाइए शांति से, और अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो वहीं में हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, और अगर भगवान ना करे अगर कुछ चीज़ नहीं हुआ ठीक से तो मैं वहीं जाकर वापस बैठ जाऊँगा। लेकिन ये मेरा एक कमिटमेंट है कि जब तक हम लोग राइटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, हम अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकते। सेकेंड चीज़ है, आप लोग नॉन किप्रासा मीडिया से हैं, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग खिलाफ नहीं है कि जो भी बांग्लादेश से आए हैं, क्योंकि हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वहाँ में क्या अत्याचार हुआ, और कोई किसी को बाहर फेंकने के बारे में बात नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं कि ADC में जो हम लोगों का ज़मीन है और जो गांव है ADC से बाहर में, हम इतनी पैसा लोग रहते हैं, उनको एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना चाहिए। किसी का संवैधानिक राइट हम छीनना नहीं चाहते, लेकिन हम एम्पावर करना चाहते हैं हमारे लोगों का राइट्स को, स्पेशली लैंड, स्पेशली फंडिंग, स्पेशली पॉलिटिकल राइट्स, लेजिस्लेटिव राइट्स, इसमें हम एनहांसमेंट चाहते हैं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है, और अगर हम लोग आज अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कष्ट होगा। इसके लिए आई अपील टू ऑल ऑफ यू ऑल कि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है वो आप उसको हटाइए, क्योंकि हम लोग वो पार्टी नहीं है जिसने अभी तक वायलेंस में कभी इंडल्ज किया है, और मैं कभी भी त्रिपुरा में वायलेंस नहीं देखना चाहता। लेकिन अगर हमने ऑनेस्टली अपने लोगों के लिए बात किया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को नफरत करते। और मेरा बात कहना बहुत सिंपल है, किसी के घर में चूल्हा को आप बंद करोगे तो अपने घर में चूल्हा नहीं आएगा। किसी के घर में चूल्हा जलता है तो हमारे घर में भी जलना चाहिए, हम वही मांग रहे हैं। हम नहीं बोल रहे कि उनका चूल्हा छीन कर हमें दे, यही मेरा मैसेज है। प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिए, अगर आज की प्रसाद उठेगा तो पूरा त्रिपुरा उठेगा।